है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ तंदूरी नान और खोया काजू की सब्जी। ये मैंने बनाया था डिनर में और इसका वीडियो मैंने शूट किया था और नॉर्मल तरीके से बनाया हुआ था तवे पर मैंने तंदूरी नान, और ये बहुत ही अच्छा बना तो हुआ था। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, तंदूरी नान बिल्कुल ऐसा ही बनेगा रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये आज का वीडियो है मेरा, जो कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इधर तंदूरी नान बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा और लिया है घी, शक्कर, नमक और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों को मिक्स किया हुआ है। और इधर लिया है फ्रेश दही, अगर आप खट्टी दही का यूज कर रहे हैं तो कम लीजिए। इधर बीचों बीच में दही डाल लूँगी। दही डालने के बाद जो भी मैंने नमक, शक्कर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लिया है, इसे मैं एक साथ डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है बिना पानी डाले, और मैं डालूंगी घी, और घी डाल के अच्छे से इसे मसलना है, अच्छे से मिक्स करना है तब तक कि ये मुट्ठी ना बंद होने लगे। तो इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मोइन टाइप का देना होता है। तो जो बाकी दही है उसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी, और इसे अच्छे से हमें तब तक गूंथना है जब तक ये मुट्ठी सा बनना होने लगे। तो इस तरीके से हमें गूंथना है, इसके बाद ही हम पानी का यूज करेंगे। देख सकते हैं इधर मुट्ठी होने लगी है, इसका मतलब हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल के मैं अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार करूँगी। तो इधर हमारा तंदूरी नान का डो तैयार हो गया है। इसमें ऊपर साइड से हल्का हल्का हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, या फिर हम घी भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इसे एक पॉलीथीन में कर दूंगी, और पॉलीथीन में करने से अच्छे से ये इसका खमीर उठता है। तो इस टाइप की पॉलीथीन में हम इसे आटे को करके रख देंगे आधे या एक घंटे के लिए, उसके बाद हम इसे बना सकते हैं। बनाऊंगी सब्जी, इसके लिए पहले से ही मैंने खोए भूज के रख लिया है, और खोया भूजने के बाद मैं भूजूंगी काजू। काजू 100 ग्राम के करीब है, उसे भून लूंगी हल्का ब्राउन। काजू हमारा हल्का सा भुन चुका है, इसे एक मैं बाउल में टसपा कर लूँगी। अब मैंने पैन हीट होने के लिए रख दिया है। इधर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्च को काट के रखा हुआ है, तो और काजू को भी भूज के रखा हुआ है, और ये खोए को भी मैंने भूज के रखा हुआ है, पैन हीट होने के लिए रख दिया है। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। ऑयल को अच्छे से हीट होने के बाद मैं डालूँगी जीरा, और जीरा मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी छोटे चम्मच से।
जीरे को अच्छे से चटकने के बाद मैं डालूंगी लहसुन। लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है सुनहरा होने तक। उसके बाद मैं डालूंगी प्याज, प्याज के अच्छे से सेक जाने के बाद मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर, प्याज, लहसुन को अच्छे से हमें भुनना है जब तक कि अच्छे से वो मेल्ट ना हो जाए। और इसमें मैं थोड़ा डालूंगी नमक। नमक डालने से ही जल्दी पक जाता है, अच्छे से मेल्ट हो जाता है। टमाटर, लहसुन, मिर्ची अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसके अच्छे से सिक जाने के बाद इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी और इसे मैं पीस लूँगी। सेम पैन में मैं ऑयल डालूँगी, कुकिंग ऑयल डालूँगी। उसके बाद थोड़ा जीरा डालूँगी और जो मैंने मसाले पीस के रखे हुए थे उसे मैं डालूँगी और अच्छे से फ्राई करूँगी। तो इसमें मैंने गरम मसाले को यूज नहीं किया हुआ है। इस टाइप की सब्ज़ी में गरम मसाला नहीं डाला जाता है। अगर आपकी चॉइस है तो आप डाल भी सकते हैं। और जो तीखा नहीं खाते हैं उन्हें इस टाइप की सब्ज़ी पसंद आती है। तो जितने भी प्याज प्याज टमाटर लहसुन को हमने पीस के रखा था इसे अच्छे से हमें भुनना है जब तक कि वो पैन ना छोड़ दें। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा दालचीनी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और इधर मैंने रेड चिल्ली पाउडर को स्किप किया हुआ है। सारे मसालों को डालने के बाद इसे अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि वो पैन ना छोड़ दे। मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें मैं डालूंगी काजू जो कि मैंने फ्राई किया हुआ था। इसे मैंने पीस के डाला हुआ है और अच्छे से इसे मिक्स करना है मसालों में। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी खोआ जो कि मैंने भुन के रखा हुआ था। तो इसके बाद मैं डालूंगी खोआ और दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है और अच्छे से चलाते रहना है ताकि ये गट्ठा ना पड़े और अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने डाला है जीरा पाउडर थोड़ा सा और इसके बाद मैं डाली हूँ क्रीम। तो इसे अच्छे से चलाते रहना है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा गरम मसाला और सॉल्ट। जब ये पैन छोड़ने लगे इसका मतलब कि हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। और हमारी सब्जी बन चुकी है और 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैं बनाऊंगी तंदूरी नॉन और पॉलीथीन से वापस निकाल लूंगी मैं आटे को
और जितना हमें बनाना है उतना मैं निकाल लूँगी और वापस कुछ पॉलिथीन में रख दूँगी। पॉलिथीन से निकालने के बाद थोड़ा मारना भी होता है, तो अब मैं बना के बताऊँगी। दरअसल मैंने दो तीन बना लिए थे, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो अभी मैं छोटा सा एक लोई ले लेना होता है, और इसे आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं किसी भी डिजाइन में। और मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में हमेशा ओरल शेप में बनता है, तो मैं शुरुआत में तो वैसे ही बना रही थी और बाद में मैं अपने तरीके से जैसी मुझे पसंद है वैसे बनाने लगी। तो इस तरीके से बना लेना होता है। इसके बाद मैं इस पर चिपकाऊँगी, मतलब इसमें लगाऊँगी काला तिल, और काले तिल से लगाने में अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आता है। तो उसके बाद कस्तूरी मेथी को मैंने लगाया हुआ है, तो अच्छे से दोनों चीज़ों को, काले तिल और कस्तूरी मेथी को अच्छे से डालने के बाद बेलन से ऐसे दबाते हुए हम बेल लेंगे। और इसे इस तरह हथेली में ले लेंगे, और बैक साइड हथेली से हम पानी लगाएंगे, और पानी को अच्छे से लगाना है किनारे किनारे में, और भी अच्छे से लगाना है ताकि हटे ना ये, तवे पे चिपका रहे। तो मैं अच्छे से पानी पानी की कटोरी ने साथ में ली थी और ऐसे अच्छे से चिपका रही थी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पानी लगाना है, कंजूसी नहीं करना है पानी लगाने में। तो इस तरीके से तवे पर चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने तवे पर चिपकाया हुआ है, ऊपर से बबल्स टाइप के होने लगे हैं। तो इस टाइप से बबल्स टाइप के चारों तरफ से होने लगे, इसका मतलब कि हमारी तंदूरी पक रही है। तो आप देख सकते हैं चारों ओर से बबल्स आ रहे हैं। तो अच्छी तरीके से बबल्स चारों तरफ से आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे बैक साइड करके इसे सेकेंगे चारों तरफ से घुमाते हुए, और इसे तब तक सेकना है तब तक ये सुनहरा ना हो जाए। एक साइड से तो सिक जाता है, पर दूसरी साइड से हमें ऐसे ही सेकना होता है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, और मैं तो ज़्यादा सुनहरा कर रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से ही करना होता है। और देखिए आप, इस तरीके से लुक आया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से मैं दूसरा लगा दूंगी पानी लगा के, और इसे तवे पर मैं चिपका दूंगी। और पानी हमें किनारे साइड में भी ज़्यादा लगाना है ताकि निकले ना। और तो दूसरी प्रोसेस को भी मैंने फिर से ऐसे ही दोहराया है, और पूरी तरफ से देखिए बबल्स आ चुके हैं। और अच्छी तरीके से बबल्स आ जाए इसका मतलब कि एक साइड से हमारा जो तंदूरी है, वो तंदूरी नॉन है, वो सिक चुका है, और बैक साइड से हमें ऐसे उसे सेकना होता है। और हमें तब तक सेकना होता है जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। और ये हमारा तंदूरी नॉन बन के तैयार हो गया है। और ओरल शेप में भी मैंने बनाया हुआ था तंदूरी नॉन स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने बनाया था बड़े शेप में तंदूरी नॉन। और इसमें बटर लगा के भी लगा सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं। और इधर मैं लगा रही हूँ घी, और मैंने घी लगाया हुआ था, और इसके साथ बनाया हुआ था मैंने खोया काजू की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की है। तो ये था मेरा आज का डिनर, तंदूरी नॉन, खोया काजू की सब्जी और सैलेड। आई होप आपको आज का मेरा रेसिपी ब्लॉग पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, और कोई रिक्वेस्ट हो तो बताइएगा, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।
हूँ।